मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज कोरोना का टीका लगवाया और दोनों नेताओं ने कहा कोरोना की वैक्सीन सभी को लगवाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाया। विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने कहा हमारे टीका लगवाने से जनता में विश्वास जागेगा। गौतम और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कोरोना के वैक्सीन को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को अपनी सेहत की रक्षा के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए। सबको लगवाना चाहिए, इसीलिए मैंने लगवाया। हम लोग लगवाते हैं उसका एक थोड़ा सा एक दूसरा असर पड़ता है समाज। कई बार जो भ्रम की स्थितियाँ पैदा की जाती है, अब हमने लगवा लिया, हमारे विधायकों को लगाया कि उनके स्पीकर ने लगवा लिया, हमको भी लगवाना चाहिए। हम सब लगवावे, विधायक लगवावे, सांसद लगवावे, उसका परिणाम ये निकलता है कि जनता में विश्वास जागृत होता है कि जब ये लोग लगवा रहे हैं तो ठीक होगा। मैंने कोई खराब नहीं हो रही है, सबका नंबर लग रहा है, सबको दे रहे हैं। हमारे देश, हमको तो गर्व करना चाहिए कि अभी तक हम विदेशों के भरोसे रहते थे, अब अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम नेतृत्व, उनके नेतृत्व में हमने टीकाकरण और करा रहे हैं, वैक्सीन तैयार की अपने देश में, दूसरे देशों को भी हम दे रहे हैं। पहले देश विकलांग बना रखा था 60 साल तक, लेकिन अब सक्षम हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हुआ और दुनिया में सिरमौर होगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।